गतिमोक्षण एक पूरा क्रिया मोक्षण नहीं करना चाहिए। अभी कूड़ा प्रस्थ पल कर जैसा पता है तुम लोगों को, रसाद में वैसाद में पढ़ा होगा, अष्टांग में पढ़ा होगा, सब मोस्ट यूनिक हैं सब। तो बलवान में एक प्रस्थ, मध्यम में आधा प्रस्थ और दुर्बल में एक पूरा, यह दुर्बल में गतिमोक्षण नहीं करते हैं। इसके अलावा इसी तरह अधिक दोष, मध्य दोष और अल्प दोष में यही क्रम लागू होता है। इसी तरह अधिक दोष, मध्य दोष और अल्प दोष में यही क्रम लागू होता है। कौन सा? जो प्रबल और मध्यम बल और दुर्बल में जो लागू होता है वही अधिक दोष, मध्य दोष और अल्प दोष में लागू होता है। जब तक रक्त की शुद्धि ना हो जाए तब तक रक्त मोक्षक करते रहना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि सिरा वेद करने पर, ठीक है, कट लगाते हैं, कट ओपन रखते हैं, सिरा वेद करने पर सर्वप्रथम अशुद्ध रक्त गिरना शुरू होता है। जब शुद्ध रक्त आने लगता है तो क्या होता है, जम जाता है। जी कैसे पता करोगे कि अशुद्ध अशुद्ध रक्त आ रहा है, अशुद्ध रक्त आ रहा है? पहले अशुद्ध रक्त आएगा और जब शुद्ध आने लगेगा तो उसमें क्या होने लगेगा, क्लॉट होने लगेगा, वो जमने लगेगा, तब जान जाएंगे कि जीव रक्त निकलने लगा है, शुद्ध रक्त निकलने लगा है। शुद्ध रक्त आने तब वो जम जाता है और वो निकलता नहीं है, वहाँ पे जम जाए निकलना बंद हो जाएगा। जब लोगों का से रक्त मोक्षण करने पर जब तक अशुद्ध रक्त रहता है तब तक वेदना नहीं होती। जब लौका से अगर हम रक्त मोक्षण करेंगे तो क्या होता है, जब तक अशुद्ध रक्त रहता है तब तक वेदना नहीं होती है। जैसे ही जब लगने लगे, चीटी जैसी काटने लगे, शुद्ध रक्त जो लौका जब देने लगती है तब क्या होने लगती है, वेदना होने लगती है। तो हमें पता लग जाता है कि हम अशुद्ध रक्त निकल गए तो हम उस जलौका को क्या करते हैं, हटा देते हैं। देखिए जलौकाचारण विधि पढ़ी है, पढ़ी तो होगी, देखी तुम ना हो सारे। अष्टांग में पढ़ी है, किसमें की जाती है जलौकाचारण, किसमें करते हैं? हार्ट डीप थेरेपी कौन सी डिजीज में करते हैं? हाँ वही तो पूछते हैं, कौन सी डिजीज में दूषित रक्त हो जाता है? कोई कोई ऐसा रोग होता है जिसमें वो सारी हो जाती है जलोपाचारण? एलिफेंटाइटिस, एलिफेंटाइटिस हाथी का लोगों की आवाज भी आज नहीं आ रही, पता नहीं क्या है। हाथी पाव सुना है, एलिफेंटाइटिस जिसमें पैर को बहुत मोटा हो जाता है, फाइलेरिया, उसमें लगाते हैं जलौका चारण करते हैं उसमें। तो उसमें जब तक जलौका अशुद्ध रक्त लेती रहती है तब तक हमें नहीं पता लगता है। जैसे अशुद्ध रक्त निकल जाता है, शुद्ध रक्त आने लगता है तो ये एकदम से जलन होने लगेगी, चीटी जैसी काटने लगेगी, दर्द होने लगेगा, तो ये उसे हटा देते हैं जलौका को। ये होती जलौका चारण विधि, एलिफेंटाइटिस की जाती है बहुत लोगों ने कराई गई थी, लोगों के पता नहीं, शायद नहीं कराई हुई। ठीक है, तो जब वेदना होती है तब तक क्या रक्त शुद्ध रहा था, वो बीस चीज अलग हो गई, वो बीस जिस चिकित्सा अलग हो गई, वो तुम बिच्छू का डंक, सर्प डंक, चूहे का डंक, छिपकली डंक, उसकी चिकित्सा अलग टाइप की होती है, वो तुम उसमें पढ़ोगी, वो अभी तुम्हारे सिलेबस नहीं है। जिस चिकित्सा में नहीं, किस चिकित्सा अध्याय नहीं, इसमें नहीं नहीं, जो लोकल इसमें रो न करेंगे, इसमें अशुद्ध रक्त कहाँ होता है, इसमें बिच्छू काटने पर रक्त थोड़ा ना अशुद्ध हो जाएगा। हाँ 20 मिल जाता है,
रक्त में विष हो जाता है, उसकी अलग, उसकी जो सिरा भेदन करके उसमें कटिबंध बनाया जाता है उसकी अलग चिकित्सा है, वो भी तो सिलेबस में नहीं है। कौन बोल रहा है? तो आज बड़ा दिन बड़ा है, आवाज नहीं आ रही है। ब्रजेश कुमार द्विवेदी, बैरागी, अगर तुम्हारा नाम का असर तुम्हारे ऊपर पड़ जाए तो तुम सब छोड़ छाड़ मतलब क्या बैराग में चले जाओ। अच्छा जो थोड़ा इसे मजा कर रहा ये कह रहे कि यार बता आवाज नहीं आ रही क्या करें, हम खुद बहुत परेशान हैं, बता नेटवर्क नहीं आ रहा, नेटवर्क आ ही नहीं रहे, बच्चे कह रहे हैं सर आवाज़ नहीं आ रही, हमें भी आवाज़ सुना आती कभी सुनाई देती है कभी गड़ जाती है, डिस्टर्बेंस होता है। हमारी आवाज आ रही है? अभी आ रही है इस टाइम नहीं आ रही, तो चलो फिर आज यही छुट्टी हो करो, कल देखेंगे, कल दूसरी जगह को ढूंढेंगे वहाँ पर देखा जाएगा सब। ठीक है डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, कल देखेंगे तो क्या होता है। नेटवर्क ही चले जा बता भैया क्या कर रहे हो?